अस्सलाम वालेकुम ब्राइट फैमिली, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ ताबिंदा एंड आज मैं काफ़ी दिन बाद मुखातिब हो रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब से। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी एंड मेरे पास एक दो मैसेजेस भी आए थे कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने दूसरे काम में बिज़ी थी इस वजह से। और ये तब सारी चीज़ मुझे तब करना बहुत ज़्यादा पसंद होती है जब मैं 100% फ्री हूँ अपने माइंड से। तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, आज खैर ब्लॉग को शूट नहीं कर रही हूँ, बट आज संडे था और संडे टू संडे ही हमारा ब्लॉग आता है एज़ यू ऑल नो। बट आज फादर्स डे भी है जो कि एक बहुत बड़ा और एक बहुत खूबसूरत दिन भी है कहने के। तो अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालिद हैं, तो हर एक दिन फादर्स डे होता है। बट एक ये स्पेसिफिक डे है जो कि बनाया गया है क्योंकि हम अपनी अमूमन लाइफ में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं तो हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएं, वक्त बिताएं। तो ये एक ख़ास दिन है जहां हमें अहमियत पता चलती है कि हाँ हम कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकाल के उनके लिए सोच पाते हैं और उनको एक अच्छा फील करा पाते हैं। हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती क्योंकि हमारे पास हमारे वालिद हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और ये अहमियत उनको सबसे ज़्यादा पता चलती है जिनके पास उनका साया नहीं है, उनके पेरेंट्स का। एंड सच बताऊँ तो आपके पेरेंट्स अगर आपके पास हैं, हयात हैं और आपके ऊपर उनका साया है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी मालदारी है अल्लाह ताला का। सुबह शाम दिन रात आप यही अल्लाह ताला से थैंक किया कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको आपके पेरेंट्स दिए और सपोर्टिव पेरेंट्स दिए, उनको हेल्दी दिया है। और हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हेल्दी रखें और हमेशा उनका साया आपके ऊपर रहे, और जिनके ऊपर उनका साया नहीं है तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके लिए दुआ करें कि उनके पेरेंट्स जहाँ भी हैं, उनके वालिद या उनकी माँ जहाँ भी हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस दे और जन्नत में उनसे उनकी मुलाकात कराए। तो अगर मैं अपने अब्बू के बारे में बताऊं तो मेरे अब्बू में बहुत 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 सपोर्टिव हैं। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे, अब नहीं है। क्योंकि होता है ना, जब आप छोटे होते हो तो पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चों पर, जो कि देना भी चाहिए, बट उस वक्त हम कहते हैं अरे ये तो क्या ही कर रहे हैं, हमें रोक तो रहे हैं, टोक रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट होता है। शायद हमें डिस्ट्रैक्शन होने से वो हमें बचाते थे, तो दैट्स ए बिग थिंग। और आज वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं हमारे कैरियर को लेकर, हमें हमारे अब्बू चाहते हैं कि हम एक बड़ी बिजनेस वोमैन बने, तो इंशाल्लाह। और अगर हमें यहाँ पर हूँ ये जो भी, अगर मेरे अंदर थोड़ा भी तरीका आई है जो चीज़ें बोलने के या कुछ भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल के, ये मेरे फादर की तरफ से है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं अपने फादर की लाडली हूँ, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं और सारे बच्चों को वो इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग बोलते हैं तो मैं भी बड़ा प्राउड फील करती हूँ खैर इस चीज़ पर। सो थैंक यू सो मच टू लविंग मी एंड टू सपोर्टिंग मी इन हाईली वे, टू सपोर्टिंग मी जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करती हूँ, तो हम अब्बू से बात कर लेते हैं एंड अब्बू मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो अगर मैं एक बात बताऊँ सिंपल सी, लोग पूछते हैं कि तुम इतना खुश क्यों रहती हो, तो मैं अगर सिर्फ मेरी दो ही वजह हैं कि मैंने जो सब्र करना है वो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है और जो शुक्र करना है वो मैंने अपने अब्बू से सीखा है। मैंने लाइफ में सब्र और शुक्र से काम लिया है, जो कि सब्र मेरी अम्मी ने बहुत किया है और बहुत करती हैं, जो कि मैंने सीखा है। और शुक्र में हर लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहीं लेकिन मेरे अब्बू ने हमेशा शुक्र किया है अल्लाह ताला का, तो मैंने वो अपने अब्बू से सीखा है। तो दोनों की चीज़ें मेरे अंदर आई हैं इसलिए मैं खुश रहती हूँ और अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स का साया मेरे ऊपर बरकरार रखे। इसी बेसिस पर एक छोटा सा मैं गाना गाना चाहती हूँ क्योंकि आई लव सॉन्ग, आई लव टू सिंग सॉन्ग एग्जैक्टली। सो शुड आई सिंग? सांसों की सांस में शामों से है मेरे पास हो, जब मेरे आंसू हैं ढले वहाँ मुझे हंस के मिले मेरे पापा, मेरे पापा। थैंक यू
सो आज का मैं वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूँगी। होपफुली आपको मेरा छोटा सा मैसेज और छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट संडे आऊँगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगे कॉमेंट कीजिए एंड डेफिनेटली लाइक भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा।